नमस्ते सभी को। आज हिंदी सत्र में पहले हम शशि शर्मा दीदी शेयरिंग को सुनेंगे। शशि शर्मा दीदी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्ते भैया। दीदी, मैं आपका छोटा सा आपका परिचय रखना चाहता हूँ। तो शशि शर्मा दीदी प्रोफेसर है, प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भिलवाड़ा। दीदी ने हालांकि UHU का वर्कशॉप नहीं किया है, लेकिन उनकी जो सिस्टर है रेणु शर्मा जी और कुछ दोस्तों के साथ में दीदी जीवन विद्या के जो YouTube के ऊपर वीडियोस है उनको देखते हैं और उनको डिस्कस भी करते हैं। दीदी फिलहाल कोई वॉलंटियर एक्टिविटीज नहीं कर रही है, लेकिन भविष्य में जरूर करना चाहेंगे। तो दीदी आपका स्वागत है, ओवर टू यू। धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। मेरा नाम शशि शर्मा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। परिवार में हस्बैंड, एक बेटा और सास ससुर साथ रहते हैं। हस्बैंड भारतीय पुलिस सेवा में हैं और वर्तमान में पुलिस अधीक्षक के पद पर भीलवाड़ा में ही कार्यरत हैं। बेटा बीटेक कर चुका है, अभी आगे के अध्ययन के लिए दिल्ली गया है। मेरे पिता कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। हम दो बहनें और एक भाई हैं। पति, दो भाई और एक बहन है। ये हमारा परिवार है। अपनी बात करूं तो बचपन से ही मैं बहुत संवेदनशील थी, विशेष रूप से दूसरों से मिलने वाले भावों के प्रति। जब मुझे डांट पड़ती या कोई मुझसे नाराज हो जाता तो मैं अत्यधिक दुखी हो जाती, फिर उस व्यक्ति को खुश करने का भरसक प्रयत्न करती। मेरा यही अभ्यास अब तक भी बना हुआ है। कोई मुझे गलत कह दे, गलत समझ ले या नाराज हो जाए तो मेरे कई कई दिन दुख और पीड़ा में निकल जाते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता, लोग मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना डर क्यों लगता है। अब देखती हूँ तो पाती हूँ कि मैंने मेरे होने को लोगों के साथ जोड़ रखा था। उनके नाराज होते ही मुझे लगता था कि मेरे अस्तित्व पे ही संकट आ गया। मेरा पूरा प्रयास इसी बात के लिए रहता सब मुझसे खुश रहें, ऐसा हो नहीं पाता और मुझे लगता कि मुझ में ही कोई कमी है। मेरी परेशानी मैं दीदी के साथ शेयर करती रहती थी। 2001 में उन्हें लैंडमार्क एजुकेशन फोरम के बारे में पता चला और मैं उसका फाउंडेशन कोर्स करने चली गई। वहां मुझे जिंदगी का एक अलग नजरिया मिला और मैं बड़े उत्साह के साथ घर लौटी। वहां जो सीखा था उसे मनोयोग से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने लगी। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए, परंतु निरंतरता नहीं रह पाई। कुछ वर्ष अच्छे बीते, फिर कुछ और बेहोशी में बीत गए। 2008 व 9 में दो बड़ी घटनाओं ने मुझे फिर वहीं लापटका जहां से मैंने शुरुआत की थी। 2008 में मेरा मिसकैरेज हुआ और कुछ महीने बाद ही मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं पहले से दुख में थी, मम्मी की पीड़ा देख मेरा दुख और बढ़ गया। 2009 जनवरी में मम्मी का देहांत हो गया। अब मुझे दो और बातों से डर लगने लगा, बीमार होने से और मृत्यु से। मुझे लगता था मैं ऐसे ही दुनिया से चली जाऊंगी बिना कुछ विशेष किए। मेरे होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई वर्ष अवसाद में बीते, उससे निकलने के लिए मैंने अध्यात्म की राह पकड़ी, आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर किए, सिस्टर शिवानी को सुना, लुईस एलहे पढ़ी, पावर ऑफ नाउ पढ़ी, मंत्र माला जप भी किए। इनका कुछ दिन असर रहता पर निरंतर रूप से संतुष्टि कहीं नहीं मिल रही थी। 2016 में एक दिन ठाना कि मुझे अब किसी के बारे में नहीं सोचना, मेरी खुशी के लिए मुझे ही कुछ करना है। कुछ ऐसे संयोग बने कि मैं बर्ड फोटोग्राफी करने लगी। इसे जुनून की तरह किया, अब मैं खुश रहने लगी थी। 24 घंटे मेरे दिमाग में चिड़िया और फोटोग्राफी घुसा रहता। मुझे पहचान भी मिली और तारीफ भी। इधर मैं जहां अपनी पहचान बनाने के लिए जी जान से लगी हुई थी, दीदी अपने नाम का परचम लहराने के बाद भी तृप्ति की तलाश में थी। वो लगातार इस दिशा में कुछ कुछ किए जा रही थी। ईशा से वह बहुत प्रभावित हुई और काफी समय तक फॉलो किया। मुझे भी कहा, परंतु मैंने कुछ ही समय बाद वहां से भी हाथ जोड़ लिए।
कुछ वर्ष बाद उसकी भी समीक्षा हो गई। अब दीदी भी संकट में थी कि आगे क्या। तभी कहीं से उन्हें मध्यस्थ दर्शन का पता चला और कुछ समय बाद मुझे भी YouTube पर परिचय शिविर के लिंक थमा दिए। कोरोना का समय था, हम सब घर में बंद थे, समय खूब था ही। चलते फिरते मैंने वीडियो सुन डाले। कुछ बातें अच्छी लगी पर स्वयं की जिम्मेदारी लेने की बात नहीं जमी। और यह बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि अपने सुख दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैंने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। खैर, अपनी आदत के अनुसार दीदी लगी रही। कुछ महीने बाद उत्साह में भरकर उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां विद्या का प्रस्ताव रखा जाता। दीदी ने खुद PPT बनाई और परिचय शिविर ही ले लिया। धीरे धीरे ग्रुप के सदस्यों की संख्या कम होते होते 8 रह गई और अंत में 6। अच्छी बात यह हुई कि हम 6 जने निरंतर लगे रहे, कई परिचय शिविर किए, अध्ययन बिंदु मानव व्यवहार दर्शन भी कर लिया। इस निरंतरता का लाभ यह हुआ कि दर्शन में मेरा मन लगने लगा, उसके प्रति निष्ठा बनी और समझ बढ़ाने के प्रति मेरी गति बनी। 2023 के समाप्त होते होते मुझे और दीदी को लगने लगा कि हमें समझने के लिए अपने कार्यक्रम को कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बातें तो हमारी पकड़ में आ रही थी पर व्यवहार में उन्हें कैसे लाया जाए यह समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं चित्तौड़ से भीलवाड़ा आकर सुनील आगेवाल भैया से मिली। उनसे कुछ बातचीत की, परिणाम स्वरूप उन्होंने मॉर्निंग सेशन का प्रस्ताव रख दिया। इससे पहले मैंने UHV के बारे में नहीं सुना था। इधर दीदी कृष्ण भैया के संपर्क में आई, वहां भी यही प्रस्ताव आया। इस प्रकार दोनों भैया के सहयोग से 1 फरवरी से हम दोनों की एंट्री UHV 9th मॉर्निंग सेशन में हो गई। संयोग से इसी दिन से एक्सरसाइज 1 आरंभ हो रही थी। पहले दिन ही जब स्वयं के भाव और विचारों को देखने को कहा तो मैं बहुत उदास हो गई थी। अपने भाव और विचारों में मुझे इतनी गड़बड़ दिखाई दी कि मैं हतोत्साहित हो गई थी कि क्या क्या साफ करूंगी, कहाँ कहाँ काम करूंगी। 3 दिन ऐसे बीते जैसे शरीर से पूरी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। मेरे अंदर जो भाव और विचार थे उनके साथ मैं न आराम में थी न संगीत में, और सुखी होने का तो प्रश्न ही नहीं था। 4th स्टेप में जब स्वयं के भाव और विचार का निर्णय कौन लेता है इसकी बात आई। मैं स्वयं इसका निर्णय लेती हूँ यह स्वीकार करने में मुझे बहुत जोर आया। मुझे स्पष्ट नजर आ रहा था कि बाहरी परिस्थितियों और दूसरे व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराना बड़ा आसान है, ऐसे में आप स्वयं बरी हो जाते हो, पर मैं देख पा रही थी कि निर्णय तो मेरा ही होता है। 5th स्टेप में भाव और विचार का निर्णय किस आधार पर होता है यह देखने को कहा गया था। मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख पाई कि सारे निर्णय छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मेरी मान्यता के आधार पर ही होते हैं। यहाँ एक बात और बता दूं कि 3 दिन की उदासी के बाद मुझ में जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होने लगा था। जिस तरह शर्मिला दीदी और कुमार भैया बड़े प्यार से समझाते वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे आभास होने लगा था कि मॉर्निंग सेशंस को नियमित रूप से अटेंड करने पर मैं अपने में परिमार्जन कर पाऊंगी। 6th स्टेप में अपनी सहज स्वीकार्यता किसके प्रति है यह देखने को कहा। उस दिन से मैं रोज की घटनाओं को सजगता से देख पा रही हूँ, विशेष रूप से जहाँ विरोध के भाव होते हैं। मैं देख पाती हूँ कि जहाँ विरोध होता है वहाँ संबंध के भाव नहीं होते और विरोध के भाव स्वीकार भी नहीं होते। इन्हीं एक्सरसाइज के दौरान मैं यह भी देख पाई कि मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मुझे जज करे, परंतु मैं दूसरों को सर्टिफिकेट देने में जरा भी देर नहीं लगाती। मैं देख पाई कि जो लोग शिकायत करते रहते हैं उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, परंतु दिख गया कि मैं भी शिकायत मुक्त नहीं हूं। अब मेरे विचार जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते थे रुक गए। अब मैं क्या विचार करती? बाहरी परिस्थितियों को, व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकती थी, शिकायत कर नहीं सकती थी,
इसलिए सब कुछ शांत हो गया, इतना कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूं। हालांकि अभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होती हूं, पर जैसे ही विरोध के भाव पैदा होने लगते हैं, अंदर खतरे की घंटी बज जाती है और मैं सजग हो जाती हूँ। सहज स्वीकृति देखती हूँ, कभी कभी हठ पैदा होता है कि इस व्यक्ति को तो मुझे स्वीकार करना ही नहीं, पर फिर खुद से संवाद करती हूँ, समझाने का प्रयास करती हूँ। कभी कभी आवेश शांत होने में, हार्मनी में आने में 2-3 दिन भी लग जाते हैं, परंतु कर पाती हूँ। अभी इस दिशा में बहुत बहुत सारा काम बाकी शेष है, काम करना शेष है। अभी इतनी योग्यता नहीं बनी कि आवेश रहित होकर अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर सकूं, इसलिए तब तक स्वयं में विरोध के भाव भी ना रहे, इसके लिए धीरता बरतने के लिए प्रयास करती हूँ। 7th स्टेप की बात करूं तो स्वयं को संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के साथ संपूर्णता में अभी देख नहीं पाती हूँ। हाँ, सूचना के रूप में यह स्पष्ट है। एक्सरसाइज फर्स्ट के कारण मैं पूरे दिन काफी सजग रहने लगी हूँ। अभी सुखी हूँ यह तो नहीं कह सकती, पर दुखी नहीं हूँ यह निश्चित रूप से कह सकती हूँ। एक अजीब सी न्यूट्रल सी स्थिति रहती है। अब आती हूँ एक्सरसाइज 2 पर। इस अभ्यास के पहले स्टेप में मैं हूँ और शरीर है, यह ध्यान देने पर देख पाई, परंतु यह निरंतर ध्यान में नहीं रह पाता। दूसरे और तीसरे स्टेप की बात करूं तो सूचनाओं का आदान प्रदान मैं और शरीर के बीच होता है, ऐसा देख पाती हूँ। इसका निर्णय मैं लेती हूँ, यह भी देख पाती हूँ कुछ उदाहरणों द्वारा, परंतु इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को लेकर संशय अभी बना हुआ है। 4th पॉइंट की बात करूं तो सजगता पूर्वक तो देख पाती हूँ कि मैं संवेदना नहीं हूँ, स्वयं को शरीर से अलग भी देख पाती हूँ, अन्यथा नहीं। जैसे ही सजगता खत्म होती है, हटती है, मैं स्वयं को शरीर ही मान के चलती हूँ। 5th स्टेप बहुत रोमांचक लगा जब देखा कि बाहर से तो मुझे सिर्फ संवेदना मिलती है, उन्हें अर्थ मैं देती हूँ, और यह मेरे संस्कार यानी मान्यता पर निर्भर करता है। मैं देख पाई कि एक जैसी बात अगर 2 व्यक्ति कहते हैं, उनमें से एक के साथ संबंध के भाव हैं और एक के साथ नहीं, तो मेरी प्रतिक्रिया भी अलग-अलग होगी। यह दिखते ही कई सारी बंद खिड़कियां खुल गईं और मैं एक बार के लिए आनंद में डूब गई। लगा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे संबंध ही तो पहचानने हैं जो कि है ही, इसके बाद व्यवहार तो स्वतः ही हो जाना है। परंतु मैं जानती हूँ कि इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। पहले मुझे एक्सरसाइज 2 का औचित्य समझ नहीं आता था, यह 5th स्टेप से ही क्लियर हुआ। शरीर का उपयोग इतना ही है कि बाहरी स्थिति का सही मूल्यांकन संवेदना के आधार पर कर पाऊं और जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हों। यह केवल सूचना मात्र है, इस पर अभी विचार करना बहुत शेष है। 7th स्टेप की बात करूं, मैं शून्य के सह अस्तित्व में हूँ, यह मेरे लिए मात्र सूचना है, इसे मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। ये थे शेयरिंग के 1st, 2nd और 3rd पॉइंट। अब बात आती है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। तो मुझे दिखता तो है कि सुख स्वभाव है, परंतु संवेदना से सुख पाने की इच्छा अभी बनी हुई है। जहां तक अनुकूलताएं हैं, वहां मुझे किसी समझ की आवश्यकता नहीं लगती। विपरीत परिस्थितियों में ही मुझे ज्ञान ध्यान में आता है। आदत के अनुसार दूसरों से स्वीकृति या प्रशंसा पाकर बहुत खुश होती हूँ, इस पर भी बहुत काम करना है। स्वयं में समझ बढ़ाने के लिए निरंतर अग्रसर हूँ, इसकी अनिवार्यता भी देख पा रही हूँ। मैं प्रतिदिन 2-3 घंटे समझने के लिए लगा रही हूँ। सामाजिक भागीदारी के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेरी शेयरिंग यहीं समाप्त करती हूँ। तो अभी
मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि दीदियों के शेयरिंग के बारे में हमें गाइड करें। भैया ओवर टू यू। जी पुनः सभी को नमस्ते। शशि जी की शेयरिंग के बारे में कहूंगा कि बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही। जिस तरह से उन्होंने विधिवत बिंदुवार ढंग से एक एक मुद्दे पे अपनी जांच परख को रखा और शुरुआत में कैसे कठिनाई आ रही थी, अब कैसा देख पा रही हैं, कितना देख पा रही हैं, कितना नहीं देख पा रही हैं, और उससे उनके पूरे जीने में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है, उसको बहुत ही विधिवत ढंग से दीदी ने रखा। उन्होंने लिख के भी रखा था ऐसा लग रहा था। और आपकी बहन है रेणु जी, उन्होंने भी शेयरिंग की थी कुछ दिन पहले। तो आप दोनों बहनें जिस तरह से अपने आप में जांच परख कर रही हैं, एक दूसरे के साथ पूरकता के साथ एक दूसरे की गति को बढ़ाने में लगी हुई हैं, ये बहुत ही सुंदर बात है। आप लोग अभी हाल में ही जुड़े हैं, परंतु जिस गहराई में आप चीजों को देख पा रहे हैं, अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, जिन बिंदुओं को नहीं देख पा रहे वहां जाकर रुक जा रहे हैं ना कि अभी इसको ठीक से करना है। जैसे स्टेप 5 ऑफ अभ्यास 2 करें अगर, तो वहां पे जैसे शशि जी ने बताया कि मुझे जाकर वहां पे काफी कुछ काम करने को अपने आप में दिखाई दिया। तो ऐसा दिख रहा है बहुत ही बारीकी से काम हो रहा है। आपका पुराना संस्कार भी है, इसके आधार पर आप अप्रिशिएट कर पा रही हैं इस अभ्यास को और इसमें आप स्टेप बाय स्टेप गति कर पा रही हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन वर्कशॉप्स UHV के अभी या तो कम हुए होंगे या थोड़े से और हो जाए तो अच्छा है। तो जो पूरी प्रस्ताव है वो भी आप ठीक से उसे परिचित हो पाएंगे, पूरी वस्तु से परिचित हो पाएंगे और ये जांच परख फिर और अच्छे से हो पाएगा, शब्दों के अर्थ में और ठीक से जा पाएंगे। परंतु अपने आप में जो अध्ययन करने का अभ्यास है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात को आप रख पाएंगी और जितना जी पा रही है उतना आपने रखा। जो शेष है उसके लिए आपका कमिटमेंट भी दिखाई देता है। भागीदारी के लिए मुझे लगता है कि अवसर खुले हुए हैं, तो आप कुछ वर्कशॉप भी कर लें और कुछ भागीदारी और आपकी बढ़े। वहाँ पे भिलवाड़ा में तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, उसके साथ ही जो नेशनल लेवल पे काम हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में काम हो रहे हैं, उसमें भी कई प्रकार से भागीदारी हो सकती है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना शशि जी को।